जम्मू के डोंडा में चार आतंकियों को मारकर कैप्टन दीपक सिंह ने देश के लिए शहादत दे दी है। कैप्टन दीपक उत्तराखंड के रहने वाले थे और महज 25 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात कैप्टन दीपक की शहादत की खबर जब देहरादून उनके घर पर पहुंची तो उनका परिवार पूरी तरह टूट गया। अपने जवान बेटे के लिए माता पिता ने जो सपने देखे थे वो हमेशा के लिए टूट गए। जम्मू के डोंडा में जब आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी हुई तो 25 साल का यह कैप्टन उस टीम का नेतृत्व कर रहा था। कैप्टन दीपक को कमीशन हुए महज 4 साल हुए थे और इन 4 वर्षों में ही उनकी बहादुरी देखकर उन्हें सर्च ऑपरेशन का लीडर बनाया गया था। कैप्टन दीपक को युद्ध भूमि का जाबाज कहा जाता था, जो शानदार हॉकी खिलाड़ी भी था, लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत ने उसे हमेशा के लिए अपने परिवार और मां भारती से दूर कर दिया। भारतीय सेना डोंडा इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही थी। कैप्टन दीपक को इसके लिए फील्ड मेजर बनाया गया था और कैप्टन दीपक ने अपनी जान पर खेलकर 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वो आतंकियों की गोली से शहीद हो गए। कैप्टन दीपक का परिवार देहरादून के रेसकोर्स में रहता है। हर पहाड़ी की तरह उनका बचपन से सपना सेना में जाने का था। इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी थी और अब करीब 4 साल सेना में अपना फर्ज निभाकर वह देश के लिए शहीद हो गए हैं और पीछे अपना बिलखता परिवार छोड़ गए हैं। अब माँ, पिता, भाई, रिश्तेदार, जिसने भी उनकी शहादत की खबर सुनी उस पर वह विश्वास नहीं कर पा रहा है। जो माँ उसे कभी आंखों से दूर नहीं होना देना चाहती थी, आज उसी से वह हमेशा के लिए दूर हो गया है। देश का फर्ज निभाते निभाते परिवार का फर्ज कैप्टन दीपक अधूरा छोड़ गए हैं। अब गुरुवार को कैप्टन दीपक को देहरादून में आखिरी विदाई दी जाएगी। देश के लिए जान देने वाले कैप्टन दीपक को हमारा शत शत नमन।